नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में भीड़ है, मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सबसे खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। लखनऊ के गोमती नगर स्थित टेंडर पॉम हॉस्पिटल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इससे अस्पताल में हंगामा मच गया। अपनों की मौत से नाराज परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक टेंडर पॉम अस्पताल में देर रात एक मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, देखते देखते कई मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे अस्पताल में कोहराम मच गया। आरोप है कि 28 अप्रैल की रात करीब 8 बजे ऑक्सीजन का संकट हुआ। मरीज वेंटिलेटर पर थे। एक मृतक के परिजन गुरुवार सुबह अस्पताल गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। अस्पताल प्रशासन की ओर से बयान जारी किया गया है। इस घटना के बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफवाह फैल गई, जिसके बाद अब अस्पताल प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। अस्पताल में गंभीर और अति गंभीर दोनों ही प्रकार की कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। ऐसे में दुर्भाग्य रहा कि इन मरीजों को हम बचा नहीं सके, लेकिन ये कहना गलत है कि इन मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। बता दें कि टेंडर पॉम अस्पताल में करीब 300 बेड हैं। इसमें कोरोना और दूसरी बीमारियों से पीड़ित भर्ती किए जा रहे हैं। अस्पताल में कोरोना से संक्रमित अत्यधिक गंभीर मरीजों का इलाज भी चल रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हॉस्पिटल में L2 और L3 केयर सेंटर भी है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।